नेशनल हाईवे 53 के टोल नाका में लोकल गाड़ियों को छूट दिए जाने की मांग को लेकर दुर्ग ट्रक मालिक संघ के ट्रांसपोर्टरों ने अपना विरोध जताया। नेशनल हाईवे 53 के टोल नाका में दुर्ग ट्रक मालिक संघ के ट्रांसपोर्टरों ने अपनी मांग को लेकर विरोध जताया। साथ ही कहा कि लोकल गाड़ियों को टोल में फ्री किया जाए और काफी समय से गाड़ियों से शुल्क नहीं लिया जा रहा था, लेकिन टोल नाका की कंपनी बदलते ही वापस फिर से गाड़ियों से पैसा लिया जा रहा है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में दुर्ग ट्रक मालिक संघ के ट्रांसपोर्टरों ने बाफना टोल प्लाजा के पास इकट्ठा होकर विरोध जताया। इस मामले में जिला प्रशासन को खबर लगते ही मौके पर पहुंचे SDM दुर्ग और कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा चर्चा भी की गई। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए आपसी चर्चा के बाद कोई हल नहीं निकलने पर दोबारा जिला प्रशासन की बैठक करने की बात हुई। इस संबंध में दुर्ग ट्रांसपोर्टर्स के पदाधिकारियों व दुर्ग SDM ने मीडिया के समक्ष इस तरह की जानकारी दी। एग्रीमेंट हुआ था जिसमें छूट का प्रावधान था, तो अब अचानक 2 साल के बाद इन्होंने छूट बंद कर दी। जो SDM साहब और CSP साहब के बीच में भी बैठ के बैठक हुई इनसे, तो बुधवार तक का इन्होंने समय मांगा। बुधवार को NHIS की टीम आएगी, तो उनसे बैठ के चर्चा की जाएगी, तो उसके बाद फाइनल निर्णय होगा। जी पहले भी कई बार ऐसी स्थिति आई थी, क्या कहना था? ये स्थिति बार बार पहले इनमें दो साल पहले कोई दूसरी कंपनी इनको चला रही थी पेटी कॉन्ट्रैक्ट में, अब ये टाटा स्वयं चला रही है, तो कोई ना कोई इशू बनाते ही हैं ये हर साल हर 2 साल में। इनका कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन के अनुसार हम स्थानियों की छूट तो हर जगह मिलती है, हर टोल टैक्स पे मिलती है। आप राजनांदगांव चले जाइए, वहाँ भी छूट है, और दूसरे कहीं जिलों में भी चले जाइए वहाँ छूट है, स्टेट के बाहर भी चले जाइए वहाँ छूट है। सिर्फ यही ऐसा टोल टैक्स क्यों है जहाँ छूट नहीं है? क्या आपको लगता है ये टोल टैक्स की आपका तानाशाही चला रहा है? तानाशाही चला ही रहा है, और तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। इसके लिए हमको रोड जाम करना पड़े या बैठना पड़े, चक्का जाम कर देंगे अगर हमारी बात को नहीं माना जाए। ठीक, अपना परिचय बताइए। मैं गुरदीप सिंह, दुग ट्रक मालिक संघ अध्यक्ष। इनको पहले छूट दी गई थी एक्चुअली उस तरह से, तो अभी भी उसी की मांग थी, और इस संबंध पे हम एक बैठक रखे हैं बुधवार को, तब तक निर्णय, बुधवार को जो बैठक रखी जाएगी NHAI के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, टोल प्लाजा वाले रहेंगे, प्रशासन रहेंगे, ट्रक से रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, समय इसमें स्पष्ट निर्णय होगा, तब तक के लिए टाला गया। क्या कहना चाहिए? हाँ, पहले बैठक हुआ था जो दो साल पहले हुआ था, उसके आधार पर उनका एग्रीमेंट हुआ था कि 30/10/2022 तक का स्थिति के हिसाब से, उसी के हिसाब से चल रहा था, क्योंकि वो अवधि समाप्त हो गई है, तो पुनः इस पर बैठक रखी गई है। तो बुधवार को NHAI को समय दिया गया है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव आए और उनके समक्ष इस पर विस्तृत चर्चा हो और निर्णय निकल पाएगा। NCN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।